तो बच्चों अब करने वाले हैं हम 21th क्वेश्चन और बड़ा ही इजी है ये भी। देखिए यहाँ पे बड़ा प्यार से इसमें बोला हुआ है कि भाई जो एंगल ए है वो 90 है, ये पूरा 90 है ये, और ये जो ए डी है ये बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर तो ऑब्वियस ही बात है, ये ऐसे करके दो ट्राइंगल बन जाएंगे ऐसे करके। देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये डी हो गया, ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया। तो ऐसे करके मैंने इस ट्राइंगल को अलग अलग स्प्लिट कर दिया। तो ये पूरा दोनों को मिलाकर, ये वाला और ये वाला एंगल दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है 45 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इक्वल हाफ्स में कट रहा है, ये डी 90 है, ये डी 90 है। बस तो मुझे इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है और उसके बाद मैं अपना स्टार्ट करूँगा गेम। तो देखो यहाँ पर जो एंगल ए है, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ईच 45 डिग्री है ना, और एंगल डी जो है मैं लिख सकता हूँ ईच 90 डिग्री। तो देखो मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी बाय एंगल एंगल एग्जायम। एंगल एंगल एग्जायम से इक्वल हो गया। तो बस अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ए डी अपॉन जो डी सी होगा इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी डी होगा। बिल्कुल देखो ए डी अपॉन डी सी जो होगा, यहाँ पे देखो ये ए डी अपॉन डी सी जो होगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी हो जाएगा। और देखो मैं ए डी को इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी इंटू डी सी। और आपको ये सब गिवन है, मुझे आपको ए डी निकालना है। कितना ईजीली मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको हिंट भी गिवन है, ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी, कितना है मेरे पे, बी डी है मेरे पे 2 और डी सी कितना है मेरे पे 8। तो ये जो ए डी का स्क्वायर हो जाने वाला वो हो जाएगा 16, और अब ए डी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16 विच इज प्लस माइनस 4। तो मैं ए डी को यहाँ पे प्लस 4 सेंटीमीटर ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ए डी है ये 4 सेंटीमीटर का आ गया। तो बड़ा ईजी था ये क्वेश्चन, तो है ना। नेक्स्ट करते हैं।